यहाँ पे हनुमान जी है, बाल हनुमान है, साथ में बाल गणेश जी, तो एक साथ दोनों देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है हनुमान जी जिनके गोद में है गणेश जी, ये देखिए कितना खतरनाक लग रहा है देखने में, भयंकर जबरदस्त। मैं प्रेम, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइज आज है हम लोग रायपुर के माना में जहाँ पे भर रही है भव्य गणेश मूर्तियाँ। तो वैसे ही हम लोग एक जगह पे पहुँच चुके हैं, ओम जय मूर्ति कला केंद्र, जहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत बड़ी छोटी हर तरह की गणेश मूर्तियाँ बन रही है। तो अभी जो है मैं आपको अंदर ले चलता हूँ बिना कोई टाइम पास करते हुए, बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए, और सीधे जो है आपको भव्य भव्य गणेश मूर्तियाँ, सुंदर सुंदर गणेश मूर्तियाँ दिखाते हैं। तो ये है ओम जय मूर्ति कला केंद्र, और ये जो है माना कैंप रायपुर में है, और ये है रायपुर एयरपोर्ट वाला रोड है, और यहाँ पे देखिए भाई लोग हैं जो काम कर रहे हैं गणेश जी की मूर्ति के लिए, और यहाँ पे एंट्री पे ही आपको भव्य गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है, और काफ़ी बड़े साइज़ में, ये देखिए। तो जब कलर हो जाएंगे ना इसमें तो और भी बेहतरीन लगेंगे। तो अभी सीधे हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे भी देखिए इस तरफ। तो इसमें अभी फर्स्ट कोटिंग हुई है कलर की, और ये पूरा वाइट कलर में आपको नज़र आएंगे, और अभी चलते हैं अंदर में जहाँ पे आपको कलर वाला गणेश जी देख। और ये आ गए हम लोग अंदर में, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। इधर जो है पूरी छोटी छोटी गणेश जी हैं, और वो सामने वाला देखिए कितना सुंदर लग रहा है गणेश जी की, और यहाँ पे जो है कलर चल रहे हैं, ये देखिए काफ़ी बढ़िया से लग रहे हैं। और इस तरफ का भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर जो है ये गणेश मूर्ति आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। तो ये सब जब कलर हो जाएंगे ना तो काफ़ी बढ़िया से लगेंगे और एक नंबर लगेंगे भाई। और ये देखिए काफ़ी बड़ी। तो कब से काम चल रहा है भैया इसका, कब से काम चल रहा है इसका? अच्छा साल भर चलते रहता है, ये देखिए। और ये सामने में आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा यूनिक हर जगह से देखने को मिला है गणेश जी का। तो ये नीचे की तरफ आप देखोगे ना तो राम जी का अवतार है, ऊपर में आपको गणेश जी देखने को मिलेंगे, मतलब सिर की ओर गणेश जी है, और बॉडी की ओर ध्यान दोगे तो ये बनी हुई है राम जी के बेस पे, थीम बेस पे। और ये वाला भी देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये सारे के सारे जब कलर्स हो जाएंगे ना तो और भी बेहतरीन लगेंगे। और इस तरह भी देखिए, ये है गणेश जी, कितना खूबसूरत देखने को मिलेंगे। और ये वाला भी देखिए, ये इधर शिवलिंग है, यहाँ पे गणेश जी हैं, और इस पर आपको शिव जी भी नज़र आएंगे। तो एक ही जगह सब चीज़ जो है आपको इस मूर्ति में देखने को मिलेगा। और ये हो गया हमारे बड़े बड़े कुछ गणेश मूर्तियाँ, और इस तरफ बारी है आप छोटे साइज़ की। तो ये वाला ऑलमोस्ट 6 फीट का है, ये हो गया आपका 8 से 9 फीट का, वो भी सेम है, मतलब ये तीनों 8 से 9 फीट का है। अब इस तरफ चलते हैं जहाँ पे 4 से 5 फीट का आपको हाइट पे गणेश जी देखने को मिलेंगे, ये देखिए। तो इन सभी का जो कॉस्ट है वो अराउंड 6 से 12 हज़ार के बीच में है, जो छोटे साइज के हैं। और जैसे कि डबल मूर्तियाँ हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गणेश जी है, साथ में यहाँ पे कोई देवी हैं, तो ऐसे में जो प्राइस है वो थोड़े से रेज हो जाते हैं, मतलब ये 14-15 तक की प्राइस में चली जाती है, ये देखिए। और ये वाला देखो कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी बढ़िया से है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हनुमान जी है, बाल हनुमान है, साथ में बाल गणेश जी, तो एक साथ दोनों देखने को मिलेंगे, बाल हनुमान और बाल गणेश जी। तो ये सब बुकिंग हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट जो गणेश जी के मूर्ति हैं ना वो बुकिंग हो चुके हैं। तो अगर आप मन मुताबिक बनाना चाहते हैं तो पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, ये देखिए। तो ये हो गया गणेश जी का मूर्ति।
और इसमें कौन कौन से कलर्स चढ़ने वाले हैं उस पर देखिए, ये नीला हो गया, ये भगवा हो गया, इस तरीके से आपको जो है कलर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जब कलर हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे ये सारी मूर्तियाँ। ये देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये देखिए। तो आई होप आप सबको बढ़िया से मैं ये जो गणेश मूर्ति वाला सीरीज़ है वो दिखा रहा हूँगा, क्योंकि बैक टू बैक जो है गणेश मूर्ति का आपको वीडियोस देखने को मिल रहा है हमारे चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे देखिए हनुमान जी है और उनके कांधे में एक तरफ है गणेश जी और दूसरे तरफ है राम जी। और ये यहाँ पे भी देखिए कलर का यहाँ पे भी काम हो रहा है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे, तो ये हो रहा है फर्स्ट कोटिंग। इसके बाद जो है सेकंड कोटिंग होगा, फिर ना स्टोन वगैरह का काम होगा, कपड़े का काम होगा, फिर एंड में जो है फिनिशिंग टचेस वगैरह दी जाती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाल गणेश, ये देखिए। तो ये हो गया पूरा गणेश जी की मूर्ति है। तो ये छोटे छोटे साइज में है, जैसे कि 4 फीट 5 फीट के हाइट में, जैसे कि आपके पास छोटे जगह हैं तो ये सारे बढ़िया होते हैं आपके घर या क्लब हो गया या मोहल्ले में रखने के लिए। ये देखिए काफ़ी बढ़िया। और ये जो कलर हो रहा है ना, इतने में ही काफ़ी सुंदर लग रहा है, जब पूरा कलर हो जाएगा तो और भी बढ़िया लगेगा। ये देखिए, और इस तरफ जो है छोटे छोटे गणेश जी देखने को मिलेंगे, जिस पे आपको बाल गणेश ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये देखिए हांडी लेके बैठे हुए हैं। इस तरफ देखिए नटखट गणेश जी, यहाँ पर भी देखिए, ये हो गया पूरा बाल गणेश। और सामने की तरफ चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से जो है आपको ये छोटी छोटी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगे। और जैसे घर मोहल्ले में रखते हैं ना, उनके लिए ये डिज़ाइन वगैरह जो है वो बेस्ट है और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। कलर होने के बाद और भी मस्त लगेंगे ये सारे। ये देखिए, ये भी देखिए। तो इसमें देखिए कलर वगैरह लगना है ना, तो उसका यहाँ पे कलर वगैरह लिखा हुआ है। तो सारे के सारे कलर हो जाएंगे, 2-3 दिन में ये सारे के सारे कलर हो जाएंगे ना, तो और भी बढ़िया लगेंगे। ये देखिए, तो अभी डेडलाइन है, समझो 8 ही दिन बचे हैं गणेश पूजा के लिए, और उन बीच में ये सारे के जो गणेश है ना वो कम्प्लीट करना है मूर्ति को। ये देखिए इस तरफ के जो गणेश जी हैं उनमें कलर होने को है कम्प्लीट, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये वाला भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, बस आँख का बचा हुआ है, स्टोन का काम बचा हुआ है और थोड़े से यहाँ पे जो कपड़े वगैरह लगते हैं वो बचा हुआ है। ये देखिए, तो इस तरफ जो है जोरों शोरों से काम हो रही है। और ये वाला तो भी देखिए कितना कमाल का लग रहा है गणेश जी का मूर्ति, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे भैया जी जो हैं देखिए गोल्डन पट्टी यहाँ पे जो हाथ पे भुजा पे लगते हैं वो उस पर कलर चढ़ा रहे हैं। और ये देखिए गणेश जी, बहुत बढ़िया लग रहा है ये। काफ़ी सुंदर है ये वाला मूर्ति। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो पीछे में ड्रैगन है, साथ में यहाँ पे गणेश जी, ये देखिए। और पीछे में जो है ये हो गया, ये है गणेश जी, और यहाँ बगल में ड्रैगन है और पीछे में बटन फ्रॉक, ये देखिए। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये वाला देखिए, ये है लंबोदर वाला जो मराठियन स्टाइल होता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे गणेश जी देखने को मिलेंगे। और सामने की तरफ देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े साइज में आपको यहाँ पे गणेश जी देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस पे जो है अभी आँख का काम चल रहा है, ये देखो गोरिल्ला लग रहा है।
काफी बढ़िया। देखिए माँ पार्वती है, साथ में पीछे में गणेश जी, और काफी खूबसूरत लग रहा है ये। और इसका बैकग्राउंड भी आप देख सकते हो, काफी बढ़िया सा है ये देखिए। और सामने की तरफ चलते हैं और ये देखिए, ऐ कमाल का ये वाला। और यहाँ पे है हनुमान जी, जिनके गोद में है गणेश जी, ये देखिए। और इस तरफ भी देखिए, और ये वाला देखो कितना खतरनाक लग रहा है देखने में, भयंकर जबरदस्त। और साथ में ये देखिए बाबा भोले हैं, उनके गोद में यहाँ पे आपको गणेश जी। और ये वाला तो हटके ही लग रहा है, पूरा यूनिक यहाँ पे। और सामने की तरफ आप देखिए,